नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। हिमाचल की कांग्रेस सरकार खतरे में, सीएम सुक्खू का पार्टी में विरोध, 6 कांग्रेस विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। मिशन गगनयान, पीएम ने मिशन कमांडर घोषित किया, ग्रुप कैप्टन नायर के गृहनगर में जश्न। तमिलनाडु के थूथुकुडी में पीएम मोदी ने दी 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। संदेश खाली में बीजेपी को धरना देने की परमिशन, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 150 से ज्यादा लोग न हों। राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी संधान का निधन, पूर्व पीएम के नाम वाले अस्पताल में तोड़ा दम। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान में सरकारी महकमे में बड़ा फेरबदल, 165 आरएएस अफसरों का तबादला, 3 आईएएस और 3 आईपीएस भी बदले। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर में शुरू की आईपीएल की तैयारी, एसएमएस स्टेडियम में बनाए जा रहे 2 वीआईपी सिटिंग बॉक्स, चल शुरू होगा प्रैक्टिस सेशन। यूपी राज्यसभा चुनावों से अलर्ट हुई सपा ने बढ़ाई आजमगढ़ की किलेबंदी, पल्लवी के ट्वीट ने दिए ट्विस्ट के संकेत। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर लगाई रोक, केजरीवाल ने बिजली के बिल जीरो होने का किया था वादा। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। आमिर किरण ने होस्ट किया लापता लेडीज का प्रीमियर, सलमान खान, करण जौहर और सनी देओल समेत कई सेलेब्स पहुंचे। जैस्मीन भसीन ने फुकेत में अपने फैंस को दिखाई भारतीय खाने की झलक। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। महिला प्रीमियर लीग 2024 में क्लिनिकल गेंदबाजी ने आरसीबी को गुजरात जॉइंट्स पर आसान जीत दिलाई। राष्ट्रीय निशानेबाजी में अनीश भनवाला की ट्रायल में लगातार दूसरी जीत। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। सोनी ने प्ले स्टेशन गेमिंग डिवीजन से 900 कर्मचारियों की छटनी का किया ऐलान। निवेशक और इन्फो एज के संस्थापक संजीव बिकचंदानी ने कहा, सरकारी योजनाएं भारतीय पूंजी से जन्मे स्टार्टअप्स की कर रही मदद। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। जापान ने विरोध के बावजूद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के दूषित जल को प्रशांत महासागर में छोड़ना किया शुरू। जर्मन रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में सेना भेजने से किया इनकार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।